अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको रहम टीवी की स्पेशल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कश्मीर इस्लामिक सेंटर की पिकनिक की। आप देख सकते हैं ये सामने यॉन्कर्स का मेन हाईवे के, और अल्लाह सुब्हान ताला ने हज़रत मुफ्ती मुनीर साहब की मेहनत की काविशों के नतीजे में हमें ये इस्लामिक सेंटर से नवाजा, कश्मीर इस्लामिक सेंटर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे पहली फैमिली बारबेक्यू पिकनिक हो रही है, और फैमिलीज यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई हैं और इन्जॉय कर रही हैं, और यहाँ पे दीन की खिदमत हो रही है। नौजवान आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, ख़वातीन हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह रौनक लगी हुई है दीन की बरकत से। तो ये हज़रत मुफ्ती मुनीर साहब की काविशों का नतीजा है कि आज माशाल्लाह इस जगह पे जहाँ पे एक बहुत बड़ा कसिनो है उसके मुकाबले में अल्लाह सुब्हान ताला ने कश्मीर इस्लामिक सेंटर जैसी नियमत इस कम्यूनिटी को नवाजी है। और माशाल्लाह ये साथी यहाँ पे नौजवान बच्चे सब इंजॉय कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और हज़रत भी माशाल्लाह नौजवानों के साथ पूरी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। और ये दीन का जो रंग और दीन का असल जो फहम है हमें बताते हैं कि दीन के अंदर माशाल्लाह दोनों खुशियां हैं, और इंसान इंजॉय कर सकता है, एंटरटेनमेंट भी है, और आखिरत का भी इसी के अंदर इंतज़ाम है। तो हम हज़रत जी के शुक्रगुजार हैं कि इस मुल्क में रहते हुए उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई और इतना अच्छा मौका इस कम्यूनिटी को फराहम किया। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कश्मीर इस्लामिक सेंटर की ये बिल्डिंग है, इसमें ख़वातीन का भी अलग बाबरदा इंतज़ाम है, और इसके बिल्कुल अपोज़िट मेन हाईवे के उस तरफ यहाँ का सबसे बड़ा कसिनो है। तो ये अल्लाह पाक का करम है कि इस कसिनो के मुकाबले में इस कुफ्रिस्तान के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला ने दीन का ये एक मरकज़ कायम किया। हज़रत से भी मैसेज लेते हैं, कश्मीर इस्लामिक सेंटर में पहली फैमिली पिकनिक हो रही है, तो हज़रत से पूछते हैं तासुरात। माशाल्लाह बहुत मसरत और ख़ुशी की बात है कि कश्मीर इस्लामिक सेंटर में फ़र्स्ट टाइम जो है ये फैमिली पिकनिक का नज़म किया गया है, और सारी कम्यूनिटी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अलमुरीर वेलफेयर प्रोजेक्ट के तहत ये इस कश्मीर इस्लामिक सेंटर में और आरफी मस्जिद के मुसल्लीन जमा हुए हैं फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं। और यही मकसद है कि अहले इस्लाम जो है यहाँ के ममालिक के अंदर आपस में इतिहाद और इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ जमा हुआ करें और मुख्तलिफ मौक़ों पे ये गैदरिंग करें, मिल बैठ के खाएं, पिएं, इंजॉय करें। तो माशाल्लाह और रहम टीवी के लिए भी दुआगू हैं कि माशाल्लाह ये यहाँ की सारी कारगुजारी को जो है रिकॉर्ड कर रहा है, तो माशाल्लाह इससे जो है ज़ाहिर कम्यूनिटी के अंदर आपस में ये पैगाम शेयर होगा, और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों को इस तरह की गैदरिंगें जो है वो जायज़ हदूद में रह के करनी चाहिए। तो मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये बाबर भाई कबाब तल रहे हैं मज़े मज़े के, खूब गर्मी में खूब मेहनत कर रहे हैं, चटपटे कबाब। ये माशाल्लाह कश्मीर इस्लामिक सेंटर के वॉलंटियर्स हैं, और बहुत खिदमत कर रहे हैं और लोगों को मज़े मज़े के बारबेक्यू बना के खिला रहे हैं। बाबर जमान बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, हम कबाब सीख रहे हैं, चिकन लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कश्मीर इस्लामिक सेंटर की ये पहली बारबेक्यू फैमिली पार्टी है, तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं? इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा होगा। जज़ाक अल्लाह जी। और कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस पैगाम यही है कि सब लोग आपस में मोहब्बत प्यार में रहें और गैदरिंग करें। अब हम बात करते हैं वाहिद शरीफ साहब से, यहाँ के केयर टेकर हैं, उनके तासुरात जानते हैं। जी वाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये जो हमने इंतजाम किए हैं ये तमाम अफराद के लिए, ये नहीं कि खास
کمیونٹی، یمن کے تمام مسلم کمیونٹی جو ہے ویسٹرز کی ہیں، اور دوسرے کاؤنٹی سے بھی ہمارے پاس آئے ہیں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور اس طریقے سے تقریبات ہوتی رہیں تو ہمیں اور زیادہ حوصلہ افزائی ہماری ہوتی ہے۔ تو اس میں جو سارے اقدامات کیے ہیں یہ سب مل بانٹ کے کیے ہیں ہم لوگوں نے، تو میری بات یہ ہے کہ آگے تک پہنچانے کی، کہ اس میں جو بھی یہ ہمارے سرفراز صاحب، یہ ہمارے جتنے بھی کمیونٹی کے افراد ہیں، خاص طور پر شہراز صاحب نے بڑی ہماری مدد کی ہے۔ یہ ماشاءاللہ نوجوان ساتھی انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ، ان سے ہم پوچھتے ہیں کیا ان کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا۔ جی السلام علیکم، بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، کمیونٹی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، پوری کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے، اور ایک الگ پروگرام ہوا ہے اپنی نوعیت کا، بچے بڑے بوڑھے سب حصہ لے رہے ہیں، اور بڑا ہی ایک یونیک پروگرام ہوا ہے جس کے لیے ہم بہت خوش ہیں، اسپیشلی آپ لوگوں کا، میڈیا کا جو آئے ہیں سارے یہاں پر اس کو کور کر رہے ہیں، اور یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم سارے ایک ہیں، مل جل کے اکٹھے ہیں، سارے مسلمان بھی ہیں یہاں پر، ہمارے اور بھی دوست آئیں گے جو دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک مزید اچھا پروگرام ہونے کی امید ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے کشمیر اسلامک سینٹر کے فاؤنڈرز سعید ارائیں صاحب، ڈاکٹر سعید ارائیں صاحب سے، اور ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ آج کا دن ان کو کیسا لگا۔ الحمدللہ جی، بہت مزہ آیا، بڑی اچھی گیدرنگ ہے، اور اللہ پاک نے اس کو کشمیر اسلامک سینٹر کو آباد کر دیا ہے، ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائے، لوگوں کو یہاں زیادہ دین سیکھنے کا موقع ملے مفتی صاحب کی سربراہی میں، ان کے گائیڈنس میں انشاءاللہ، تو الحمدللہ جی بہت مزہ آ رہا ہے۔ جس دن ہم لوگ فرسٹ ٹائم یہ مسجد دیکھنے آئے تھے تو ایسے تھا جیسے ویئر ہو، کوئی پرانا سا ویئر ہاؤس ٹائپ کا ہوتا نا، اس طرح کا تھا، ٹوٹا پھوٹا، اور الحمدللہ اب تو یہ بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور ریئلی لگ رہا ہے کہ واقعی اللہ کا گھر ہے اور جیسا ہونا چاہیے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ 5-6 نمازی تھے جب یہ شروع ہوا تھا، اور آج یہاں کوئی 40-50 نمازی عام دنوں میں ہوتے ہیں، اور جمعے کی نماز پہ کوئی 150-200 لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو آباد کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے اور ہم سب کو یہاں سے دین سیکھنے کا موقع دے، آمین انشاءاللہ۔ ریم ٹی وی کے کمیونیکیشن اور مارکیٹنگ ڈائریکٹر سعید اختر صاحب سے ان کے تاثرات لیتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ بہت عرصہ ہو گیا ہے نیو یارک کے اندر، اور یہ پہلا کشمیر اسلامک سینٹر بنا ہے، تو اس میں ان کے کیا تاثرات ہیں، کیسا فیل کر رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے ان کو؟ جی سعید صاحب، بہت بہت شکریہ جناب یاسر سلیم صاحب، ڈائریکٹر پروگرامز رحم ٹیلی ویژن، آپ نے جب میرا تعارف کروایا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کی بھی دل خوشی کرنی چاہیے، آپ اتنا محنت کرتے ہیں، آپ یہاں آئے اور آپ نے سب سے بات چیت کی اور کشمیر اسلامک سینٹر کے بارے میں لوگوں کی رائے لی۔ میں بھی جب شروع میں آیا تھا تو حضرت مفتی منیر احمد اخوند صاحب کے ساتھ، تو مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ جیسے یہاں پہ گائے بھینسیں بندی ہوتی تھیں، ویئر ہاؤس ٹائپ کا ماحول تھا، مگر اللہ کے فضل سے ان کی یہ دور اندیشی اور ان کی یہ ویژن تھا حضرت مفتی صاحب کا کہ یہاں پہ مسجد بڑی خوبصورت حالت میں ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے، ہم بنائیں گے، تو انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، آج یہ وہی کشمیر اسلامک سینٹر ہے جہاں شروع میں 10 آدمی بھی گنتی میں نہیں آتے تھے، تو اس وقت 100 اور سینکڑوں میں لوگ نظر آتے ہیں۔ تبسم خان صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے اسلامک سینٹر کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، اور بہت خدمات ہیں ان کی سینٹر کے اندر، تو ان سے تاثرات رہتے ہیں کہ جب ہم نے جگہ سٹارٹ کی تھی تو کیسی تھی، اور اب اس کو یہ کیسا پا رہے ہیں، اور فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ ماشاءاللہ سے یہ جو اسلامک سینٹر اب بنا ہے، اس سے اتنی امیدیں ہیں اور اتنی خواہشات ہیں کہ یہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا مقام رکھے گا، اور اس میں اچھے اچھے نمازی اور اچھے اچھے طلباء اس میں تعلیم حاصل کریں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ جی السلام علیکم، یہ ہمارے کمیونٹی ممبر ہیں بٹ صاحب، اپنا نئی بٹ صاحب ہیں، ماشاء اللہ بڑی خدمت کرتے ہیں یہاں پہ، اور ان سے آج کے پروگرام کے تاثرات لیتے ہیں۔ جی نعیم صاحب۔ جی جناب علی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا،
जी हम लोग ये यंकर के एरिए में ये न्यूली ओपन्ड इस्लामिक सेंटर है। हकीकतन इस एरिए में इस्लामिक मरकज़ की एक बहुत शदीद ज़रूरत थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुफ्ती मुनीर साहब की क़यादत में ये यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया है। आज यहाँ का पहला बारबेक्यू आप समझें, बच्चों के लिए खेलों का इंतज़ाम किया गया है, और इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी बड़ी खुश है इस एरिए में कि एक अच्छी जगह मिल गई है। ना सिर्फ यहाँ पे दीनी काम होंगे बल्कि कम्युनिटी की भी हर तरह की खिदमत यहाँ इस मरकज़ में की जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब मुलाकात करते हैं कारी खुर्रम शहज़ाद साहब से, ये इमाम हैं मस्जिद ख़त्मे नबूवत के ब्रुकलिन में, और इनसे जानते हैं आज इनके क्या तासुरात हैं कश्मीर इस्लामिक सेंटर में। जी माशाल्लाह, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है जी, यहाँ पे जो है कम्युनिटी को जमा करने का, और सबको यानी एक ऐसा दिन जिसमें सारी कम्युनिटी फैमिली के साथ आए और इंटरटेन करे और इन्जॉय करे, क्योंकि यहाँ लोग मसरूफ़ हैं, और इस वजह से ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और हजरत मुफ्ती आज़म अमेरिका मुफ्ती मुनीर अहमद अखोन के विजन के मुताबिक वो इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं कि फैमिली के एक प्रोग्राम होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पिछले जो है महीने भी था जो है वो लॉन्ग आइलैंड में, इस दफ़ा यहाँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। अब हम बात करेंगे आमिर साहब से, ये हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से जो थे अरशद इबाद साहब, उनके बेटे हैं, वो मरहूम हो चुके हैं अरशद इबाद साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, गरीब के रहमत करें। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यॉन्कर्स के अंदर एक इस्लामिक सेंटर बनना चाहिए हज़रत मुफ्ती साहब की सरपरस्ती के अंदर, और बड़ी दुआएँ करते थे उसके लिए वो। और अब उनके बेटे हैं यहाँ पर आमिर, उनसे हम पूछते हैं कि उनको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है और उनके क्या फीलिंग्स हैं। जी आमिर भाई। Sure, my dad would be proud. Inshallah, now he's in a better place, with better people, in Jannat, and I'm sure he's smart. Look, you know, he's proud of what we have done. Alhamdulillah, and I hope to help and contribute here and on by to honor him. Bismillah, Rahman, Rahim. My name is Ali Afzal Khan. And ye Kashmir Islamic Center mein aakar, aise mehsoos hota hai ki ek cheez dunya mein nayi ijaad hui hai. तो अल्लाह के काम है, और इंशाल्लाह ये सेंटर कामयाब होगा और क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ में जो हमारे साथी इसमें काम करते हैं, बिलखसूस से नौजवान इसमें बहुत काबिले ज़िक्र हैं और शौक़ से काम करते हैं, दीन के साथ बड़े मुंसलिक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कम्युनिटी को कामयाब और कामरान फरमाए, आमीन। अब हम मोहम्मद तनवीर साहब से बात करेंगे कि उनको कश्मीर इस्लामिक सेंटर के इस प्रोग्राम में आके कैसा फ़ील हो रहा है और उनके तासुरात जानते हैं। जी साहब। माशाल्लाह ये इस्लामिक सेंटर बड़ा अच्छा और बहुत कामयाब जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इस महल्ले में कोई मस्जिद नहीं थी, सेंटर नहीं था, अल्लाह का शुक्र है ताने इस महल्ले वालों को बड़ा आराम है इस मस्जिद की वजह से, और पाँच वक्त के लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह मस्जिद भरी होती है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ बालिगान के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पर, ताकि वो लोग आएँ और आके जो चाहें कुरान शरीफ जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आके सीखें और अपना तलफ़ सही करें आके। और बच्चों का भी प्रोग्राम है जो कि सुबह मेरे ख्याल से 4 बजे शुरू होता है और 5 बजे तक का प्रोग्राम है ये, तो उन बच्चों के लिए भी यह है कि जो बच्चे कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे वालदेन अपने लेके आए, और उनके लिए ये बहुत अच्छी वो है। यू गाइस एंजॉयिंग द पिकनिक? अयान। हाउ ओल्ड आर यू? 11। व्हाट्स योर नेम? शाज़िब। हाउ ओल्ड आर यू? 15। दिस इज योर फर्स्ट टाइम कमिंग ओवर हियर? यू एंजॉयिंग इट? सलार। I'm 12. I like the madras. Fahad. Main masjid mein aata hoon. Ali. I'm 19. It's nice. This is my first time here, so. I live in the Bronx. Hazafa. How old are you? 8. Play video game. Assalamu alaikum. Mera naam Khalid hai aur aaj zabardast kisam ka program hua hai. MashaAllah, aur umeed hai ki next time ye aisa hi karenge. तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी अफोर्ड की और ये सब कुछ हुआ, आज पूरी फैमिली हमारी आई हुई है, तकरीबन 200-250 बंदे तक इकट्ठा है यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू लिया जो। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सबकी बहुत कोशिश है, हर नौजवान की, हर बूढ़े की, जितने भी यहाँ पे आ जाए हुए, सबकी गैदरिंग हो रही है यहाँ पे, इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़, इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी ये यंग जनरेशन आगे भी की कंटिन्यू करेगी ये चीज़।
और आगे भी इसी तरह प्रोग्राम चलते रहेंगे। जी ये भाई जान सुबह से काम कर रहे हैं इस गर्मी में। तो शफीक भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप यहाँ पे आए और आपने काम शुरू किया सवेरे से, सब लोगों के लिए खाने का अरेंज किया। तो कैसा आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो ये मस्जिद की तरफ से एक हमने बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद बाबर भाई जो सबसे पहले यहाँ पे आए आज आज के प्रोग्राम में और सब ऑर्गेनाइज में, ये आदिल साहब के साथ शाना बशाना रहे हैं पहले नंबर पे। और ये तमाम चीज़ें जो सेटिंग हुई हुई हैं और बन रहा है, और सुबह से इवन यहाँ पे अभी 4 बज रहे हैं और ये 10 बजे आए, तो इंतहाई गर्मी में इन्होंने काम शुरू किया हुआ था। मैं बाबर भाई के पास चलता हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम बाबर भाई। वालेकुम सलाम। बाबर भाई आज आप सुबह से माशाल्लाह काम कर रहे हो और इस गर्मी में और अभी तक इसी तरह, ये एनर्जी आपने कहाँ से लाई है इतनी सारी और इस तरह से इतने जज्बात? अल्लाह ने, अच्छा अल्लाह ताला ने दी है। चलो जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको? अच्छा माशाल्लाह, इस तरह ही गैदरिंग होनी चाहिए सबकी और आपस में प्यार मोहब्बत में रहें, ठीक है, और प्रोग्राम होने चाहिए इस्लामिक सेंटर के, इससे हमारे इस्लामिक सेंटर की भी रौनक लगी रहती है, ठीक है। और अच्छा फील कर रहे हैं, मुफ्ती मुनीर साहब आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे मुलाकात हुई माशाल्लाह, बहुत अच्छी अरेंजमेंट हुई है, प्रोग्राम सब लोगों को पसंद आया है। सारे से अच्छी बात खुशी की है कि ये बाबर भाई इस मस्जिद के इस सेंटर के नेबर हैं, फर्स्ट नेबर हैं, और ये आम रूटीन में भी जब भी कोई काम काज हो ये बड़ी पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़ करके, और आज तो खैर माशाल्लाह इन्होंने ज़्यादा ही कुछ किया है। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और अभी थोड़ी देर ही हुई आएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, या वेरी गुड, नाइस डे, इट्स ए गुड डे फॉर ए पिकनिक एंड होल कम्युनिटी इज हियर। रिसेंटली मैं योटॉन हाइट में रहता हूँ, तकरीबन यहाँ से 45 मिनट की ड्राइव है, बट यू नो मेरी यूजली जो मेरी कम्युनिटी है वो सारी यंकर में रहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मस्जिद में आके बहुत अच्छा लगता है। गेट टुगेदर पूरी फैमिली यहाँ पे जमा होती है, बच्चे एक दूसरे से यहाँ पे बच्चों खेलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है। ये एक फैमिली गेट टुगेदर है जो कश्मीर इस्लामिक सेंटर की जानिब से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन और हमारी तमाम फैमिली मेम्बर हजरात यहाँ पे इस गेट टुगेदर में शामिल हैं। ये कम्युनिटी गेट टुगेदर के साथ साथ ये एक सोशल इवेंट भी है, एक हमारी कश्मीर इस्लामिक सेंटर की प्रमोशन के लिए। आज आपको पता है कि जैसे कि ये वेकेशन का सीज़न चल रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बच्चों के लिए, एक फ़न प्ले का भी हमने एक अरेंज किया है, तो बस ये आपके सामने है, सारी चीज़ें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला जैसे कि मस्जिद और जिस तरह के हमारी आबादी यहाँ पे ग्रो अप हो रही है, तो इंशाअल्लाह ये मस्जिद एक सेंटर का रोल अदा करेगी और ये हकीकतन में एक इस यंगर कम्युनिटी के लिए ये एक बड़े फ़ायदा मंद और बहुत ही मुफीद, और ये एक मरकज़ का रोल अदा करेगी। ये सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं होगी बल्कि एक मस्जिद से के साथ साथ ये कम्युनिटी सेंटर और उसके साथ साथ ये एक फला का एक भी एक मरकज़ बनेगा इंशाल्लाह ताला। जी माशाल्लाह, इट्स अ ग्रेट फन ओवर हियर एंड वी आर एंजॉयिंग द वेदर एंड द पार्टी टुगेदर, लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर एंड एवरीबॉडी हैज़ ब्रॉट इन द बेस्ट ऑफ द फूड एंड इट्स जस्ट लवली टू बी हियर। यू नो इट्स द बरकत ऑफ आवर शेख हजरत मुफ्ती मुनीर साहब दैट ही हैज़ गिवन अस ग्रेट चांस टू गैदर टुगेदर एंड एंजॉय द समर इवेंट्स। मे अल्लाह ब्लेस। Now we will talk to brother Isa from Syria. He is a regular member of Kashmir Islamic Center and he also teaches classes over here. We'll get his opinion inshallah. Thank you so much for this opportunity. In fact the Kashmiri Islamic Center is a very good center and gathering all Muslims, Kashmiri and others, and the activity in this activity in this center is going more important and improving every day. Many people came to this center to learn Quran and to learn Arabic language beside tajweed and others, and also beside Islamic studies, and also other people, Christians and others, and they came to this center to ask about Islam, and some of them accepted Islam, alhamdulillah rabbil alamin. In fact I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to protect
this center and all Muslims all over the world. ये माशाल्लाह शेख अब्दुल्ला साहब हैं, ये हमारी टीम के साथी हैं, मुनीर लंगर के इंतज़ाम के इंचार्ज हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनको कश्मीर इस्लामिक सेंटर की फैमिली बारबेक्यू पार्टी में आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम इस्लामिक कश्मीरी सेंटर के अंदर बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और बहुत से लोग आए हुए हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, वही लोग ज़्यादातर यहाँ पहुँचे हुए हैं। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हमारे मुफ्ती मुनीर अहमद अखुंद साहब की काविशों से ये प्रोग्राम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अल्लाह इसको नजरे बस से बचाए, आमीन। अब माशाल्लाह हम जानेंगे तासुरात कारी आदिल शबीर साहब के, ये यहाँ के मस्जिद कश्मीर इस्लामिक सेंटर के इमाम हैं, और बहुत ज़्यादा खिदमत हैं इनकी पूरी रेनोवेशन के अंदर, सारे इंतजाम के अंदर। हज़र के बड़े ये करीबी मुरीद हैं आदिल शबीर साहब, उनसे जानते हैं कि क्या तासुरात हैं इनके इस मस्जिद के बनने से पहले, और अभी और फ्यूचर क्या देखते हैं इस मस्जिद का ये। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमतुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई आज हमारे कश्मीर इस्लामिक सेंटर में बारबेक्यू और पिकनिक का प्रोग्राम मुरतब किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खवातीन में बच्चों बूढ़ों ने सब ने खूब हिस्सा लिया। बच्चों के लिए बाउंसिंग हाउस है, ये बड़े भी यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल भी है, और खवातीन ने बारबेक्यू है और चिकन है, कबाब है माशाल्लाह। तो सब लोग बहुत खुश है। एक दिन था कि हम सारे इस सोच फिक्र में होते थे कि यहाँ कोई आम सेंटर बनाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने सब की मेहनत और कोशिश की, खासकर हजरत जी की फिक्र दर्द की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज हमारे पास ये कश्मीर इस्लामिक सेंटर है। और इसमें आप माशाल्लाह तरह तरह के प्रोग्राम भी हैं माशाल्लाह, ये देखें पिकनिक भी है और फिज़िकल फिटनेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और रूहानी मराते भी यहाँ बुलंद होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी और मुस्तकबिल बहुत रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कि इस सेंटर में आप देख लें कि ज़्यादा अक्सर नौजवानों की है, और माशाल्लाह सब यंग नौजवान हैं माशाल्लाह, यहाँ भरपूर हिस्सा लेते हैं यहाँ की एक्टिविटीज़ में, यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है मुस्तकबिल नौजवानों से ही रोशन है, तो बहुत रोशन है इंशाल्लाह मुस्तकबिल।